हेलो गाइस, इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे आप एक बहुत ही आसानी से मोशन सेंसर लाइट बना सकते हो। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो ये मोशन सेंसर बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो है, इस टाइप का एक बॉक्स लगेगा। तो गाइस ये है मोशन सेंसर, 5 वोल्ट एसी अडैप्टर का सर्किट है ये दोस्तों। ये है 9 वाट एसी जो बल्ब होता है उसका सर्किट एंड वो एलईडी प्लेट दोस्तों। ये है 6 वोल्ट का एक रिले, आप 5 वोल्ट रिले भी यूज कर सकते हो। और दोस्तों ये है BC548 एक ट्रांजिस्टर, आप 547 ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर मैं लिया हूँ एक डायोड IN4007 और एक 1K का रजिस्टर। तो पहले रिले को ले लेना है, उसके बाद इस डायोड को इस रिले में फिट करना है। यह BC548 ट्रांजिस्टर, इसका 3 लेग है, एमिटर बेस कलेक्टर। ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन को डायोड की इस पिन के साथ कनेक्ट कर लेना है दोस्तों। इसके बाद 1K का एक रजिस्टर लेना है, ट्रांजिस्टर का बेस पिन के साथ अटैच कर लेना है। मोशन सेंसर का 3 पिन है, यह है VCC, यह है डेटा पिन और यह है ग्राउंड पिन। तो चलिए सर्किट के साथ इस पिन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो पहले इस ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर लेते हैं ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन के साथ। इसके बाद डेटा पिन को कनेक्ट कर लेते हैं रेजिस्टेंस के साथ। और ये जो VCC पिन है इसको कनेक्ट कर लेते हैं डायोड के इस पिन के साथ। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, आप देख के आराम से कर सकते हो। ये जो सर्किट है इसको चलाने के लिए 5 वोल्ट इनपुट सप्लाई के रिक्वायर्ड है। तो 5 वोल्ट इनपुट देने के लिए 2 वायर कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट इस ग्राउंड पिन के साथ इस ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे और रेड वायर को कनेक्ट करेंगे VCC पिन के साथ। तो और 2 वायर ले लेंगे, एक वायर कनेक्ट करेंगे रिले की कॉमन पॉइंट पर और एक वायर कनेक्ट करेंगे रिले की NO पॉइंट पर। अब ये जो सर्किट है, सर्किट को आप ऐसे भी रख सकते हो और एक 0 PCB के अंदर प्लेस कर सकते हो। तो मैं 0 PCB के अंदर ही प्लेस कर लूँगी। अभी दोस्तों LED टाइपर का नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को बाहर निकाल लेना है। दोनों वायर को LED प्लेट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस अभी जो इस सर्किट का जो इनपुट वायर है और ये 5 वोल्ट अडैप्टर का जो आउटपुट वायर है, ये दोनों को हम कनेक्ट कर लेते हैं। अभी दोस्तों ये जो मोशन सेंसर है इसमें कनेक्शन देते हैं, तो ये जो लाइन है इसको मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। गाइस मैंने एक AC कॉर्ड लिया हूँ, अभी इसको बॉक्स में फिट करते हैं। AC अडैप्टर का जो वायर है इसको कनेक्ट कर लेते हैं इस AC कॉर्ड से।
अभी जो एलईडी ड्राइवर है इसका एक पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट कर लेते हैं। अभी जो ये सर्किट है जो एसी स्विचिंग का काम करता है इसका एक वायर इस एलईडी ड्राइवर में कनेक्ट कर देते हैं और रिमेनिंग जो एक वायर है इस कॉर्ड का एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस इधर मैं एक चेंज किया हूँ, इधर जो एलईडी प्लेट है इस एलईडी प्लेट को मैंने एक हीट सिंक के साथ अटैच कर दिया हूँ। तो गाइस अभी बॉक्स को क्लोज कर लेते हैं। गाइस अभी एक पुराना एलईडी बल्ब का डिफ्यूजर ले लेना है और इसको चिपका लेंगे। फाइनली हमारा मोशन सेंसर बल्ब बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए गाइस अभी इस बल्ब का टेस्टिंग कर लेते हैं। तो गाइस ये बल्ब बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।